What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. No more. What is love? मैं आ गई एक नई रेसिपी के साथ और मैं इसमें आपको बहुत आसान रेसिपी बताने वाली हूँ रसमलाई की। तो चलिए, हमें रसमलाई बनाने के लिए चाहिए सबसे पहले दूध। इसे अभी उबलने दीजिए क्योंकि हमें इसे फाड़ना है। आप फाड़ने के लिए टाटरी लाइम जूस का भी यूज़ कर सकते हैं और विनेगर का भी। बस इतना ध्यान रखिए कि जब आप लाइम जूस या टाटरी का यूज़ करें तो उसके साथ पानी भी मिक्स कर लीजिए, इससे बहुत अच्छे से फटता है। तो अभी इसे उबाल आने का वेट कर रहे हैं हम। अभी देखिए, इसमें उबाल आ चुका है। अब ऐसा अभी हो चुका है, अब हम इसमें टाटरी डालेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा कि आप टोंड दूध यूज़ करिएगा या फिर गाय का दूध भी यूज़ कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर हमें वेट करना है फटने का। अब देखिए, ये बिल्कुल फट चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे अलग कर लेंगे। अब देखिए, हम इसे छन्नी में अलग कर लेंगे। अब इसे अच्छे से धो लीजिएगा ताकि इसमें जो भी खट्टापन है वो सारा निकल जाए। अब आप इसे कपड़े कॉटन के कपड़े में भी कर लीजिएगा। आप हैंकी भी यूज़ कर सकते हैं कॉटन का, और इसमें जो भी सारा पानी है उसे निकाल दीजिएगा। अब इसे बिल्कुल अच्छे से निचोड़ लीजिएगा। इस तरीके से सारा पानी रहना नहीं चाहिए इसमें। नहीं, अब इसे हमें कहीं टांगना है थोड़ी देर के लिए, कम से कम आधा घंटा के लिए, ताकि इसमें जो भी पानी है वो सारा निकल जाए। अब हमें थोड़ी चाशनी बनानी है, तो मैंने 500 ml पानी लिया है। अब इसमें मैं 2 कटोरी चीनी डालूँगी। अब हमें इसे थोड़ा मिक्स करना है। इसे थोड़ा हम गर्म होने का वेट करेंगे ताकि ये पूरी तरह से चाशनी अच्छे से बन जाए। देखिए, अब चीनी बिल्कुल अच्छे से घुल चुकी है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड रख देंगे। अब हमने दूसरी कढ़ाई ली है और इसमें हमने 1 लीटर दूध डाला है। और अब हम डालेंगे 1 कटोरी चीनी। इसे हम कम चीनी डालेंगे क्योंकि हमने चाशनी भी बनाई है, तो उससे मीठा बैलेंस हो जाएगा। अब रसमलाई का कलर डालने के लिए मैं हल्दी डालती हूँ, लेकिन आप केसर डालिएगा क्योंकि अभी मेरे पास केसर है नहीं, इसलिए मैं हल्दी डाल रही हूँ। अब हम इसे गाढ़ा करेंगे, लेकिन इतना भी गाढ़ा नहीं, थोड़ा हल्का गाढ़ा। अब देखिए, हमारा पनीर मैंने कपड़े से बाहर निकाल लिया है। अब हमें इसे हाथ से ऐसे रगड़ेंगे जब तक इसमें तेल नहीं निकल जाता, और जब तक ये बिल्कुल, देखिए ये चीज़ ऐसे नहीं होने लगता, तब तक हम इसे फिर रगड़ेंगे हाथ से। अभी हो चुका है, और अब हम इसमें 1 चम्मच मैदा डालेंगे। और अब इसे पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने इसकी लोई सी बना ली है। अब हम इसके इक्वल पार्ट्स करेंगे और इसे राउंड शेप में करेंगे, और फिर हल्का सा इसे प्रेस कर देंगे। ऐसे ही हम बाकी के बना लेंगे। अब हमारी बॉल्स बिल्कुल तैयार है। अब जो हमने चाशनी बनाई थी, हम उसमें डालेंगे इन बॉल्स को। फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। और अब हम इसे ढक देंगे। अब हम इसे प्लेट से ढकेंगे। आप बीच बीच में चेक करते रहना कि आपकी जो बॉल्स हैं वो फूली है या नहीं। अब हम अपनी बॉल्स को चेक करते हैं।
देखिए साइज़ पहले से तो थोड़ा बड़ा हुआ है, अभी हम इसे और थोड़ी देर चेक करेंगे। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए अब हमारा साइज़ कितना बड़ा हो गया। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इन चाशनी को जो हमने दूध में चीनी डाली थी उसमें डाल देंगे। अब इन्हें हम इसे थोड़ी देर में सही रहने देंगे ताकि ये जो हमारी बॉल्स है ये थोड़ा दूध पी लें। और अब हम इसमें ये जो मैंने काजू और बादाम पीसे थे अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी। अब थोड़ी देर हम इसे इसमें ही रहने देंगे। देखिए अब हमारी रसमलाई बिल्कुल रेडी है। कितनी टेस्टी लग रही है। इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।